ये हेलो, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज पहली बार आपको सामने से आकर कोई वीडियो समझा रहा हूँ मैं। देखिए, आज हम श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस है क्या, और डिटेल में समझेंगे एक एक चीज़ों को। एंड फॉरगेट ऑल द थिंग्स जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं उसको, बस आप अभी तक श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को जो भी आपने चीज़ें समझी है आपको अभी तक, जो भी करंट अफेयर से, जहाँ तक मेरे यूपीएससी स्क्रीनशॉट से जो भी चीज़ आपको मिली है, जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा अभी तक, जस्ट उसको एक साइड रखो आप। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ सामने से आकर, वो उस चीज़ों को समझिएगा आप ध्यान से। देर आर सो मेनी वीडियोज दैट आर लाइंग ऑन यूट्यूब सो दैट यू कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट श्रीलंकन क्राइसिस ऑन फ्रॉम एनी ऑफ द चैनल, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सो मच कंटेंट दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेन्स पेपर टू, जीएस पेपर टू, वेयर बायलेटरल रिलेशनशिप, इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप एंड डेमोक्रेसी एज वेल कम्स इन टू बिंग ओवरऑल। सो पेपर टू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेयर इवन टॉपर्स कैन नॉट गेट मार्क्स मोर देन 120, एंड इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर, यू नो। एंड इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप ओवर द श्रीलंका रिलेशनशिप, हाउ द इंटरनेशनल अफेयर्स आर यू नो इंटरेक्टिंग, हाउ द इंटरनेशनल अफेयर्स आर अफेक्टिंग द श्रीलंकन क्राइसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नो टू नो। सो ओवरऑल वी विल बी ट्राइंग टू गेट इन टू ऑल द पॉसिबल आस्पेक्ट्स ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड आई हैव डन सो मच रिसर्च ओवर दैट सो दैट यू कैन गेट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिस वन ऑफ माई दिस इज फर्स्ट माई वीडियो वेयर आई एम मेकिंग वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, एंड लेट आई अगर कुछ इधर उधर हो जाए जस्ट डोंट केयर अबाउट दिस थिंग्स, अगर बैकग्राउंड एंड ऑल एंड कैमरा इमेजेज आर नॉट सो गुड, सो लेट इट बी। स्टार्ट करते हैं, देखिए समझिएगा चीज़ों को, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को। आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ नोट्स फॉर दैट सो दैट आई कैन गिव यू इनफ कंटेंट, रादर अगर रट कर आपको कोई चीज़ बोल दूँ, सो दैट आई विल बी गिविंग यू इनफ ब्रीफ अबाउट श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। बेसिकली देखिए, श्रीलंका आपको भी पता है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, एलआई अगर मैं बात करूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे बिल्कुल नेबरहुड में। आपको पता है श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर समझना है तो आपको श्रीलंका को समझना पड़ेगा पहले, आखिर श्रीलंका है क्या। देखिए, आप लोगों ने उत्तराखंड सुना होगा, हमारे राज्य, हमारा देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य उत्तराखंड। लगभग 54,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का वो क्षेत्र है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगभग 65,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में श्रीलंका आपका एक जियोग्राफिकल कहाँ लोकेटेड है आपको पता है, इंडियन ओशियन रीजन में, बिल्कुल कन्याकुमारी का जो टीप है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आप जब रामेश्वरम जानते होंगे, जिन जिन्होंने भी रामायण देखी होगी, जिन जिन्होंने भी रामायण के बारे में जाना होगा, उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता होगा श्रीलंका की जियोग्राफिकली लोकेशन। बिल्कुल अच्छे से इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि क्या मतलब क्या इतिहास रहा है हमारा उसके साथ, कितना अच्छा बॉन्ड रहा है हमारा श्रीलंका के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप श्रीलंका को अगर और समझना है तो आपको भी पता है कि रामेश्वरम से एक पालक स्टेट से जस्ट आगे श्रीलंका आपको मिल जाएगा। तो श्रीलंका देखिए एक ऐसा कंट्री है ना बेसिकली जो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है उसके उसके वहाँ, और उसमें सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो वो सिन्हलीज करके एक पॉपुलेशन आती है, वो लगभग 70% है वहाँ पे, 70% से भी ज़्यादा, 75%। और श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स को अगर आप वहाँ पे मिला दो तो मिला जुला कर लगभग 11-12 से 15% के बीच में वो वेरी करती है टोटल मार्क्स। उसके अलावा कुछ बुद्धिस्ट हैं, कुछ और भी हैं, कुछ और मुस्लिम्स हैं वहाँ पे। तो ओवरऑल श्रीलंका की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सिन्हलीज है, और ये जो पॉपुलेशन है ना इसने बहुत सालों तक रूल करा है श्रीलंका के ऊपर, कंटिन्यू रूल करते आई है श्रीलंका के ऊपर पिछले 74 सालों में। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, डोमिनियन था शुरू से ही, ऐसा नहीं था कि एकदम से रिपब्लिक बन गया था जैसे हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए थे 1950 में, वैसे नहीं था। उसको लग गया टाइम काफ़ी, 1972 में जाकर वो रिपब्लिक से हटा था, जब चीफ ऑफ जो वहाँ पे मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट हुआ करते थे, जैसे आपको पता है रिसेंटली बारबाडोस एक हमारा कंट्री है कैरेबियन आइलैंड में, उसने अपने आपको कॉमनवेल्थ से मतलब डोमिनियन स्टेटस से बाहर करा है बेसिकली, अब रिपब्लिक बन गया है, वो दुनिया के यंगेस्ट रिपब्लिक बना है। यहाँ पे वो जो हेड ऑफ द स्टेट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड थी, जो क्वीन एलिजाबेथ होती है ना, वो आपको पता है ब्रिटेन की जो हेड है, क्वीन है, वो हेड ऑफ द स्टेट हुआ करते, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, वैसे कई सारे स्टेट्स में है वो अभी भी, कई सारे कंट्री में। तो एक इंपॉर्टेंट रीज़न था। आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को, आप समझिए, ट्राई करिए। देखिए, किसी भी देश के अगर क्राइसिस को समझना है ना तो आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस देश के पॉलिटिक्स को समझिए, उस देश के इकोनॉमिक्स को समझिए, उस देश की सोशलिस्ट को समझिए, सोशल जो वेलफेयर है, सोशल कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। आपको पता है श्रीलंका एक ऐसा कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया सिन्हलीज पॉपुलेशन वहाँ पर डोमिनेट करती है, इकोनॉमिकली श्रीलंका किस चीज़ के ऊपर डोमिनेट करती है? श्रीलंका के पास कोई ऐसा तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक मार्केट तो है नहीं जहाँ वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे करते हों, बहुत ही छोटी सी मार्केट है, इंडिया जैसा मार्केट तो है नहीं एक्सपोर्टिंग मार्केट बहुत बड़ा। पर देखा यह गया है कि श्रीलंका को अगर आप ध्यान से देखो तो श्रीलंका को ये देखा गया कि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ना उसने श्रीलंका को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करा। बेसिकली सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने श्रीलंका को इंपैक्ट करा है तो वो आज तक की जो उसकी पॉलिटिकल अनरेस्ट रही है उसने बहुत इंपैक्ट करा है। बेसिकली 1948 में आज़ाद होने के बाद लगभग
शुरू के 30-40 साल तक भंडर नायकिस परिवार के लोग वहाँ पे रूल करते थे। जैसे अभी आप वो राजा पक्षे बहुत नाम सुन रहे होंगे, गोटबाया राजा पक्षे जो अभी हमारे प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, उसके अलावा महिंदा राजपक्षे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन करके रनिल विक्रमसिंघे नए बन गए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। ये जो इसी तरीके की एक फैमिली पहले रूल किया करती थी 2000 से पहले, वो थे भंडार नायके फैमिली। उन्होंने जितना प्रॉब्लम्स क्रिएट करा अपने स्टेट में, अपने राज्य देश में, रिलेटेड टू इथनिक कॉम्प्लेक्सिटी, जो सिन्हलीज और तमिल्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, वो बना आखिरकार एक सिविल वॉर का बहुत बड़ा रीजन। क्योंकि इन्होंने क्या करा था कि एक एक्ट लेकर आ गए थे 1956 में, सिन्हला ओनली एक्ट, जिसमें था कि सिन्हलीज लैंग्वेज को उन्होंने ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब सोचो अगर इंडिया में ऐसे कह दें कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दें, और जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ, दे विल डेफिनेटली ऑब्जेक्ट, एंड दे आर ऑब्जेक्टिंग, नो डाउट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जब भी बात आती है ऑब्जेक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज की, तभी प्रोटेस्ट होते हैं, तभी बातचीत होती है। सेम चीज़ श्रीलंका में हुई, सिन्हलीज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा तो तमिल से इस पर प्रॉब्लम्स में आ गए, और यही चीज़ आगे चल के 20 सालों के बाद वहाँ पर सिविल वॉर का एक बहुत बड़ा कारण बना। 1972 के बाद से सिविल वॉर में रहा श्रीलंका, 2009 में जाकर श्रीलंका, तब 2009 में जब श्रीलंका बाहर आया ना इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, तब आपको पता होना चाहिए महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट हुआ करते थे वहाँ पे। तो महिंदा राजपक्षे जब राजा पक्षे जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे 2009 में, और उनको बहुत ख्याति प्राप्त हुआ, लाइक एवरीबडी वाज सेइंग कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को इन्होंने ख़त्म कर दिया, मतलब इतना बड़ा सिविल वॉर था इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनके ऊपर वार क्राइम्स के बहुत चार्जेस लगे, उनके ऊपर उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तमिलियंस को मारा है। वो लिट्टे आपने नाम सुना होगा, जिसके लिए ऑपरेशन पवन चलाई गई थी इंडिया के द्वारा 1987-1989 में, बाद में वही हमारे राजीव गांधी के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के डेथ का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो नो बुट्स ऑन द ग्राउंड की जो पॉलिसी थी वो इंडिया ने हमेशा मेंटेन करा। अभी आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे, मैंने अपने APS स्क्रीनशॉट पे डाला भी था कि नो बुट्स ऑन ग्राउंड, इंडिया जो है इसको फॉलो करना चाह रहा है, अभी भी कंटिन्यू रखना चाहता है, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे थे कि इंडियंस जो है वो इंडियन आर्मी वहाँ पर जा रही है, वो कि सही नहीं है। हमारा आज तक का पॉलिसी ही रहा है कि हम अपने आर्मीज़ को अपने देश के बाहर बहुत कम भेजते हैं, ना के बराबर भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमें दूसरों के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये कारण क्या रहा। कई सालों तक जब वहाँ पे भंडार नायके सरकार रही, उसके बाद राजा पक्षे परिवार आया। राजा पक्षे परिवार में सबसे बड़े को लीडर थे तो वो महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और इन्होंने दबा के अपने पारिवारिक जो सपोर्ट है उसको बढ़ाया। इन्होंने परिवार के लोगों को खूब सारे मिनिस्ट्रियल पोजीशंस दिए, बहुत सारी मिनिस्ट्रियल पोजीशंस है, तो वो राजा पक्षे फैमिली एक्वायर कर किया करती थी वहाँ पर। और अभी हुआ क्या 2019 के इलेक्शंस में कि मैत्रीपाल सिरीसेना पहले प्रेसिडेंट थे, 2014 से 2000 जो 15 में उन्होंने से इलेक्शंस के बाद वो बने, उन्होंने 2018 में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करा कि अपने जो रनिल विक्रमसिंघे जो अभी फिलहाल के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वो तब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 2017-18 में, जब मैत्रीपाल सिरीसेना वहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो मैत्रीपाल सिरीसेना ने रनिल विक्रमसिंघे को हटा दिया। अब पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई, अरे यार प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा वहाँ पे, तो यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्सेप्ट चलती है, इंडिया जैसा तो है नहीं, प्राइम मिनिस्टर की भी इंपॉर्टेंस है वहाँ पे, प्रेसिडेंट की भी इंपॉर्टेंस है तो अच्छी खासी। तो फिर इसके लिए उन्होंने क्या करा कि महिंदा राजपक्षे को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा 2018 में, और यही इलेक्शंस 2019 में जब हुए तो गोटाबाया राजपक्षे जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे 2009 में, जब लिट्टे को ख़त्म किया गया था 2009 में, सिविल वॉर खत्म हुई श्रीलंका में, तब महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट थे, डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। अब इन्होंने, उनको पता था महिंदा राजपक्षे का सपोर्ट ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, इनको समझ में आ गया था पॉपुलेशन के बीच में इनका सपोर्ट खत्म होते जा रहा है, तो इन्होंने गोटाबाया राजपक्षे को प्रेसिडेंट बनाया और ये जीत भी गए और एक वादा करके आए थे। और ये जो वादा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आज के प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा जड़ बना यही। इन्होंने बोला कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम टैक्स रिडक्शन कर देंगे, जो समझिए इन्होंने 2019 में वादा करा ऐसा इलेक्शंस में, और ये जीत गए, और आते ही इन्होंने टैक्स डिडक्शन कर दिया। एक छोटी सी देश जहाँ पे 2009 के बाद जब आपका सिविल वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करा, यू ओनली फोकस ऑन इम्पोर्ट्स, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ है नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए, आपने इम्पोर्ट्स पे बहुत कुछ फोकस करा, और आप अचानक से टैक्स में रिडक्शन कर दोगे तो आपके पास इकोनॉमी चलेगी कैसे, इन्होंने सोचा नहीं। इतना इन्होंने टैक्स रिडक्शन कर दिया और बिलियंस ऑफ रुपये इनके पास कमा गए, बिलियंस ऑफ जो श्रीलंकन करेंसी है वो कमा गई इनके पास। अब आप सोचिए टैक्स रिडक्शन कर दिए, और अगले ही साल 2020 में बहुत बड़ा चीज़ आ गया, वो था पेंडेमिक। श्रीलंका एक ऐसी देश है जो टूरिज्म पे बहुत डिपेंड करती है, बहुत सारे लोग आते हैं टूरिज्म पे, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, ये सब टूरिज्म बहुत सारा सपोर्ट करती है इन देशों को। 2020 और 2021 पूरा का पूरा ठप रहा जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, इकोनॉमिक क्राइसिस पहले से चली आ रही थी। इसी बीच इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर करा, रातों रात इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो इम्पोर्ट किया करते थे ये ना,
इसको बैन कर दिया इन्होंने रातों रात। अब ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि आपने केमिकल फर्टिलाइजर जस्ट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने बैन कर दिया। आप सोचो फार्मर्स की स्थिति क्या होगी। ऐसा देखा गया कि कई सारे राइस क्रॉप्स प्रोडक्शन जो करते थे फार्मर्स, उनकी स्थिति दयनीय हो गई, खराब हो गई, फार्मर्स प्रॉब्लम्स में आ गए। ये सब चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लम क्या हुआ कि फॉरेन करेंसी जो था वो श्रीलंका के पास कमता चला गया। IMF कहता है कि 2019 के जो लास्ट में था लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर जो उनके पास फॉरेन करेंसी था, वो 2020 के मार्च आते थे 1 बिलियन डॉलर पे आ गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी श्रीलंका के पास 50 मिलियन डॉलर भी फॉरेन करेंसी नहीं है। हमारे देश में 1990 में ही चीज़ हुआ था कि हमारी फॉरेन करेंसी कम गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, इंपोर्ट कर रहे हो आप, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के जो बैलेंस होती है ना वो कहलाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, टोटल ट्रेड कितना कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आप इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आपको पैसे देना पड़ेंगे, डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, और आपके पास है नहीं तो कैसे इंपोर्ट करोगे। ये चीज़ बनी फॉरेन करेंसी में डिक्रीमेंट का होने की वजह से, प्राइसेस इतनी बढ़ गई फ्यूल्स की कि ये फ्यूल्स इंपोर्ट नहीं कर पाए, फ्यूल्स इंपोर्ट कर नहीं पा रहे थे, फ्यूल्स आ भी नहीं रहा था रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, और प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे थे, और आपके पास फॉरेन करेंसी है नहीं तो आप पेमेंट कैसे करोगे। रीजन क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपको ब्रेड चाहिए, चीनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहे थे। ये प्रॉब्लम्स हो गया। श्रीलंका IMF के पास गया, श्रीलंका IMF ने श्रीलंका को साफ साफ अभी तक मना कर दिया है। भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में कुछ ऐसे पैसे दे दिए हैं, चाइना ने पैसे दे रखे हैं, जापान ने पैसे दे रखे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसे दे रखे हैं, इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड से पैसा श्रीलंका के पास, पर पेमेंट करने का पैसा नहीं है। श्रीलंका डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट्स को। अगर आप सोचो एक देश दूसरे देश से लिया हो कर्ज वापस नहीं कर पाए तो इसे शर्मनाक बात क्या होगी। रशिया ने फेस करा था 1997 में 1998 में, जब वहाँ पे एल्सिन करके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उन्होंने तबाह करके रख दिया था रशियन इकॉनमी को। फिर व्लादिमीर पुतिन आए, उन्होंने उठाया। आइसलैंड में भी सेम चीज़ हुई थी। सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इकॉनमिक क्राइसिस ऐसे हो रही थी, इसी बीच पॉलिटिकल अनरेस्ट भी बढ़ते जा रहा था, लोगों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, सपोर्ट नहीं था। भले ही दो तिहाई से राजापक्षे फैमिली वापस सरकार में बन गई थी, पर पॉलिटिकल अनरेस्ट था अंदर में कहीं ना कहीं, जो महत्वाकांक्षी थे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, समझ रहे हो आप। अब जो इन्होंने फर्टिलाइजर्स बैन करा उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाए, जो भी इनके पास चाय वगैरह का एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए बिल्कुल भी, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब ये जो सारी चीज़ें आई, इन्होंने टैक्स कट करा जैसे मैंने आपको बताया, इन सबका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इनके पास लोन्स डिफॉल्ट करने लग गए, और क्रेडिट एजेंसीज ने पूरा का पूरा जो इनका जो रेटिंग था वो कम कर दिया। अब आप क्रेडिट रेटिंग अगर आपकी कम जाएगी मार्केट में तो पैसे कौन देगा आपको, हु विल लेंड, नो वन, डेफिनेटली नो वन विल लेंड यू एट दैट केस। ये हुआ, फॉरेन करेंसी कंटिन्यू कम होते जा रही थी, आपको मैंने जैसा बताया 2009 में ईस्टर अटैक भी हुआ था श्रीलंका के लिए, वो भी बहुत बड़ा कारण बना। ओवरऑल ये हुआ कि श्रीलंका इस तरीके की क्राइसिस में चली आई कि श्रीलंका के पास फॉरेन करेंसी के नाम पर कुछ नहीं था, फॉरेन करेंसी है नहीं, आप पेमेंट कर नहीं रहे हो, आपको कोई लोन देगा नहीं, आपके पास इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है, जैसे वेनेजुएला की हालत है। देखो सबसे बड़ी ट्रेजडी क्या है श्रीलंका के साथ, मुझे नहीं समझ में आता। आप ऐसे सोचो कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ईरान देखो, वेनेजुएला को देखो, नॉर्थ कोरिया को देखो, इन सब के ऊपर तो यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस हैं, चलो समझ में आता है कि ये ग्रो नहीं कर पा रहे। श्रीलंका के ऊपर तो यूनाइटेड स्टेट का कोई ऐसा सैंक्शन भी नहीं था इतना बड़ा, या कोई ऐसा सैंक्शन भी नहीं है कि जिसके वजह से इतना इशू क्रिएट हो गया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट होता ना, उसने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करा श्रीलंका में। पॉलिटिकल सपोर्ट बिल्कुल ख़राब है वहाँ पे, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट इतना ज़्यादा है कि कोलंबो बिल्कुल एक्ट तक नहीं कर पा रही है, सिंपली बताऊँ तो। ये सब चीज़ें थी, इंपोर्ट्स बिल हाई होते चले गए। अब आप सोचो कि 9 जुलाई को क्या हुआ कि ये सारे लोग जो इतने दिनों से क्यू में खड़े थे, गैसेज नहीं थी, लाइट्स कट कर दिए थे, पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, गैसेज नहीं था, कुछ नहीं था, स्कूल बंद कर दिए गए, यू नो ऑफिस बंद कर दिए, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, कंट्री पूरी बैंकरप्सी के कगार पर आ गई, दो इट्स नॉट कंप्लीट बैंकरप्ट पर बैंकरप्सी के कगार पर आ गई, डिफॉल्ट कर रहे हो पेमेंट्स आप, आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, देश चलेगी कैसे, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो आप बिल्कुल भी, पेमेंट तो पैसा तो कोई देगा नहीं। देखिए अगर आपको श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को समझना है तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो आपको बता दिया, पॉलिटिकल क्राइसिस बता दिया, सोशल क्राइसिस बता दिया मैंने आपको। एक और बड़ी सी प्रॉब्लम क्या थी श्रीलंका के साथ, वो थी श्रीलंका की जो राजापक्षे फैमिली थी ना, इसका इंडिया के प्रति जो सपोर्ट था वो बहुत खराब था। इंडिया हमेशा से एक बहुत बड़ा पार्टनर रहा, इंडिया हमेशा से एक बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर का रोल निभाते आया है इन सब देशों के साथ। गुजराल साहब कहा करते थे, आईके गुजराल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहा करते थे इंडिया की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे चाइना और पाकिस्तान के अलावा जितने भी हमारे नेबरहुड्स हैं उन सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए हमारी, और हम उस चीज़ पर हमेशा से रहे हैं, हमारा कंटिन्यू प्रोग्रेस रहा है कि हम कंटिन्यू हमारे जो छोटे छोटे देश हैं उनके साथ हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा रहा। जैसे मालदीव को देखो आप, लास्ट टाइम जब वहाँ पे
अभी जो वहाँ पे सरकार है उसका रिलेशनशिप कितना अच्छा है भारत के साथ, है ना। उसके पहले जो सरकार था वहाँ पे कितना ही मतलब बुरी स्थिति में लेके चले गए थे वो देश को। प्रॉब्लम क्या होता था, जो चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है ना उसमें फंस गए। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए, पूरा हम्बन टोटा पोर्ट ले लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कर्ज ओढ़ लिए और आपने भारत से रिश्ता खराब कर लिया। अब बताओ भारतीय से आप रिश्ता खराब करके इतने पास में होकर आप कैसे इंटरनेशनल अफेयर्स को हैंडल करोगे। इंडिया इज सच अ ह्यूज कंट्री, बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा अगले साल, और उससे आपका रिलेशनशिप इतना खराब है। हाउ कैन यू गो ग्रो यू नो आफ्टर दैट यू आर रिलेइंग ऑन सर्टेन स्टेट्स जो कि जिसका इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं। तो वो चाइना को सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से मतलब है, बट इंडिया को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। हमारा कोई आपका पोर्ट लेने का अधिकार तो है नहीं, कोई ऐसा हक तो है नहीं, कोई ऐसा माइंडसेट तो है नहीं कि हम आपके पोर्ट्स को एक्वायर करेंगे। आप खुश रहे वही इंडिया के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, बट श्रीलंकन पॉलिटिक्स इस तरीके से काम नहीं करी। अब 9 जुलाई को वो सब पहुँच गए प्रोटेस्टर्स, आपने देखा होगा वीडियो, राष्ट्रपति हाउस घर में घुस गए, मस्त स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं, कुर्सी पे एंजॉय कर रहे हैं। ये बढ़ेगा, ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा। भले ही रनिल विक्रमासिंघे जो आज उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है, भले ही गोटबाया राजापक्षे मालदीव चले गए, आप लैंड कर गए वहाँ पर देश से बाहर हो आप बिना देश के। कोलंबो इज रनिंग विदाउट अ गवर्नमेंट, देयर इज नोबडी हु कैन बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप इस कंडीशन में रहोगे कैसे देश चलेगा, खुद सोचो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, जो आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और बढ़ेगा। माइग्रेशन को लेकर वो इशू आ जाएगा हमारे देश में, फिर ऑलरेडी माइग्रेशंस हो रहे थे, इलीगल माइग्रेशंस, माइग्रेशंस रिफ्यूजी क्राइसिस होगी ऑलरेडी, हम म्यांमार के क्राइसिस को झेल रहे थे, अभी तुरंत से एक नया क्राइसिस आ जाएगा। सो द इंटरनेशनल अफेयर्स हैज़ टू इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर हैज़ टू यू नो इंटरफेयर इन दिस। पूरे ग्लोबल बॉर्डर को हमें आना पड़ेगा, पूरी दुनिया को ऑर्डर घुसना पड़ेगा। इमरजेंसी लग चुकी है श्रीलंका में, बहुत ही खराब कंडीशन में है श्रीलंका अभी। सो पूरी वर्ल्ड ऑर्डर को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशंस को आना पड़ेगा, एंड वहाँ पे जो आर्मी है उसको थोड़ा सा तरीके के साथ डील करना पड़ेगा, आप क्रैक डाउन नहीं कर सकते कंप्लीटली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो जो हमने डील करा श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को, पॉलिटिकल अनरेस्ट, इकोनॉमिक अनरेस्ट और सोशल अनरेस्ट में। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम मेकिंग वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू एंड कमिंग डायरेक्टली एंड यू नो इंटरेक्टिंग विद यू। सो इफ यू लव द कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर सपोर्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।